अभी आपने स्टार्ट में क्लिप देखा और उससे भी पहले आप लोगों ने टाइटल देखा वीडियो का, दिमाग तो घुमा होगा, ये कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही है। 40,000 का इवन सिर्फ 300 रुपए में, और ऐसा क्या पख पड़ी थी कि भाई 40,000 का 300 में करना है? कौन आया था, किस तरह से हुआ था, कैसे किया था? पहला सवाल है कि क्यों करवाया। आप में से जो हमारे पुराने दोस्त हैं वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम मीडिया एंड फैशन के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें इस तरह के टास्क मिलते रहते हैं। इस सेमेस्टर में मुझे कोर्स मिला है जिसका नाम है इवेंट मैनेजमेंट एंड पीआर। उसका पहला टास्क था 300 रुपीज़ में एक इवेंट कराना जिसके अंदर टोटल में हो 30 लोग, और वो इवेंट कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें ना चैलेंजेस लेने की बहुत आदत है। हमने कहा नहीं, अगर इजी इवेंट लिया तो भाई मजा कैसा, उठाओ 40-50 हज़ार के बजट वाला इवेंट, उसको कराओ 300 रुपये में। टास्क करने में तो वही मजा है ना, 30 बच्चे की जगह 200 बच्चा लाके खड़ा किया, इसे कहते हैं पीआर। लेकिन पीआर बनती किस तरह से और मैंने किस तरह से बनाई? बनानी है। पीआर मींस पर्सनल रिलेशंस या पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन बेसिकली यहाँ पर हमारा मोटिव है। अगर आपको अपने पब्लिक रिलेशंस डेवलप करना है, तरीके तीन ही है। पहला है गुड फेवर इन रिटर्न ऑफ गुड फेवर, दूसरा है सपोर्टिंग द राइजिंग टैलेंट्स एंड बिजनेसेस, और तीसरा है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। थर्ड वाला अगर आपके पास नहीं भी है ना, फर्स्ट और सेकंड वाला अगर आपने सही से कर लिया, आपकी पीआर अच्छी पीआर पक्की है। मेरी अपनी खुद की 90% ऑफ द पीआर यूनिवर्सिटी में आने के बाद बनी। अब मुझे पता है मेरी इस बात को कुछ लोग बोलेंगे, यूनिवर्सिटी में तो मिलते ही सांप है। भाई सांप मिल रहे हैं ना, आप सपेरे बन जाओ। क्या बात है। अपनी इस बात को अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। और एग्जांपल मैं रखूंगी इसी इवेंट की, क्योंकि इस इवेंट के अंदर हमें स्पॉन्सर भी मिला, इसी इवेंट के अंदर हमारी पीआर भी चली। यानी ये इवेंट पीआर की बेस्ट एग्जांपल है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, बट मैं काम सिखा रहा हूँ आपको। हमारे इवेंट को एक स्पॉन्सर मिला एक इवेंट मैनेजर की तरफ से, जिसकी इवेंट कंपनी का नाम था एलिगेंट इवेंट्स। अब मुझे वो स्पॉन्सर किस तरह से मिला, जब उन्होंने अपना स्टार्टअप किया था तो उनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी मार्केटिंग करके दी थी, बिकॉज एट दैट टाइम दे वर एट द इनिशियल स्टेज ऑफ देयर बिजनेस। सो आई थॉट व्हाई नॉट, हो सकता है कल को मुझे कोई इवेंट की जरूरत पड़ जाए। उस टाइम मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि हाँ मुझे वाकई पड़ेगी, और मुझे ज़रूरत पड़ गई। और वो हमारी यूनिवर्सिटी फ्रेंड ही है जिसके वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, और अभी भी मैंने बैठे बैठे उसका नाम लेकर ऑफ कॉस्ट उसकी मार्केटिंग कर दी। तो जितनी भी डेकोरेशंस थी, जितने भी स्पीकर्स थे, जितने भी माइक्स थे, वो सब उसी कंपनी की तरफ से थे। जो हमारे पास चेयर्स थी वो हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया से लेकर आए थे। कौन देता है इस तरह से अपनी मिल्कियत की चीज़, लेकिन हमें मिली, बिकॉज वी हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव टुवर्ड्स अवर यूनिवर्सिटीज कैफे। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप हर जगह अच्छे अच्छे बन जाए, बट जस्ट अननेसेसरी ईगो और एटीट्यूड को साइड पर रखते हैं। ये एक मेजर कॉज होता है आपकी गुड पीआर का।
फिर जैसा कि मैंने मेंशन किया था स्टार्ट में कि हम लोगों ने दो बैंड्स बोला, एक था बागी द बैंड, दूसरा था फ्रूट बॉक्स बैंड। हाउ डिड आई रीच बागी द बैंड? बागी द बैंड बेसिकली बहुत पहले से हमारे एक यूनिवर्सिटी फ्रेंड के फ्रेंड्स थे, ठीक है, तो हमें सिर्फ बाय नेम उनका पता था। फिर एक दिन जिनके वो फ्रेंड थे उनकी थी इंगेजमेंट, उन लोगों ने वहाँ के परफॉर्म किया, सो आई जस्ट मेड देयर वीडियोज बिकॉज आई एक्चुअली डू वीडियोग्राफी समटाइम्स फ्रॉम माई फोन। मैंने उनकी वीडियोज भेजी एंड विदाउट देम आस्किंग मैंने उनको पेज पर टैग किया और मैंने उनको वीडियोज सेंड कर दी। फ्रॉम देयर दे डिस्कवर्ड माई कॉन्टेंट एज वेल एंड दे बिकम माई फॉलोअर्स, आई बिकम देयर फॉलोअर्स। दैट्स हाउ दे न्यू मी एंड आई न्यू देम, और वहाँ से मैंने उनसे बात की। अगर बात करूं दूसरे बैंड की फ्रूट बॉक्स वालों की, तो उनसे मेरी पीआर किस तरह से डेवलप हुई। बेसिकली जो हमारे इवेंट मैनेजर थे उनका एक टाइम पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, तो वो उनके रेस्टोरेंट पर जाकर जैमिंग किया करते थे। तो आई आस्क्ड हिम कि क्या वो जानते किसी को, बिकॉज जिनको मैं जानती थी वो सिंगल 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 लोग थे प्ले करने वाले, हमें एक बैंड की फॉर्म में चाहिए था। तो ही सेड कि हाँ है तो सही है एक लोग, देन ही डायरेक्टेड मी विद देम और फिर मैंने उनसे बात की। तीन लोग थे, हैदर, फहद और शारिक, तीनों इनसेनली टैलेंटेड, सेम गोज फॉर बागी द बैंड, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे, बहुत बेहतरीन किस्म की आवाज़ थी। और जब मैंने उनको बताया कि हम आपको ये छोटे इवेंट्स इंशाल्लाह बड़े इवेंट में लेकर जाएंगे और अपने ही यूनिवर्सिटी के लेकर जाएंगे बिकॉज उसको भी डायरेक्ट मैं कर लूँगी, तो दे अग्रीड। और यही हुआ, हम लोगों ने आगे विंडी कनेक्शन डेवलप करवाए, सो दैट्स व्हाई दे हैप्पीली अग्रीड। देखो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप अपनी स्टोरीज के ऊपर राहत फतेह अली खान की, आतिफ असलम की, अली जफर की वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं ना, यू आर नॉट सपोर्टिंग देम, ठीक है, यू आर जस्ट शोइंग कि आप उनके फैंस हैं, उनके स्टैंस हैं, बिकॉज एट दिस स्टेज उनको आपकी सपोर्ट की जरूरत हर केस नहीं है। उनको बहुत सारे मीडिया पेजेस, वेबसाइट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, यू एडमायर देम, दैट्स समथिंग डिफरेंट। लेकिन याद रखना, अगर आप किसी ऐसे बंदे की स्टोरी को, किसी ऐसे बंदे की पोस्ट को प्रोमोट करते हो जिनकी स्टोरीज, जिनकी पोस्ट आपको हर किसी के स्टेटस पर नजर नहीं आएंगी, That's the real support and those people need your support. So look around, वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं और they don't have that much exposure, उनको exposure दो, उनका काम भी होगा और in future आपके भी बहुत सारे काम होंगे। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी मतलबी, बट बी सपोर्टिव, दैट्स इट। कंसिस्टेंट रहने की, इस दफा मैं वादा नहीं करूंगी, बार बार वादे खिलाफ ही जैसे, अल्लाह मुझे माफ करे। तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। Oh,